नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंसोल। रीवा जिले के गुड़ थाना अंतर्गत पानी गांव के रहने वाले लापता बच्चे के पिता सुमिरन कुशवाहा ने बताया कि उनका पुत्र प्रवीण कुशवाहा, जिसकी उम्र महज 14 साल है, वो बीती 10 नवंबर से गायब है। उन्होंने बताया कि उनका बेटा 10 नवंबर की सुबह 11 बजे से लापता हो गया, जिसके संबंध में पूरे गांव में आसपास नाथ रिश्तेदारों के खोज तलाश किया गया, मगर लापता बच्चे का कहीं भी पता नहीं चला, जिसके बाद पीड़ित थाने में लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। मगर गुड़ थाना पुलिस ने इस मामले में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया, जिससे परेशान होकर आज परिजनों ने रीवा के एसपी कार्यालय में पहुंच एसपी राकेश कुमार सिंह से अपनी शिकायत दर्ज की और बच्चे के जल्द पतासाजी की गुहार लगाई। आज तक बच्चे की तलाश जारी है। क्या नाम है आपका? राम सिमरन कुशवाहा। एसपी ऑफिस में आए हैं, क्या मामला है? ये वहाँ गुड़ में रिपोर्ट किए तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, तो अब यहाँ आए हैं तो यहाँ आवेदन दे रहे हैं। क्या घटना क्या हुई? वो जो हमारा बच्चा है तो उसको नापित एक राहुल नापित लेके चला गया, फिर उसके घर में गए तो पूछे उसकी मम्मी से कि कहीं पता हो तो बताओ, तो बोलती है कि हमको नहीं पता है, मौसी के यहाँ फिर नंबर दिया तो वहाँ पूछे कपूरी में, तो कपूरी में एक दिन रात में रुके थे 10 बजे, इसके बाद वहाँ से फिर निकले हैं तो पता नहीं है। घटना की शिकायत कहाँ पर की है, कितने तारीख से लड़का आपको गया? 10 तारीख को 10 बजे दिन में निकला है। कौन से थाने पर? गुड़ में। थाने में कार्रवाई? कार्रवाई कुछ नहीं हुई, घर गए तो थोड़ा बहुत इधर उधर पूछे, अच्छे इसके बाद कुछ नहीं। ये राहुल नापित कैसे पता कि ले गया है? वो साथ में हमारे घर 10 बार आया है सुबह से और लेके चला गया। उसकी माँ हमारी मैंने मैडम पूछी कि कहाँ लेके जा रहे हो, तो बोला कि अभी आ रहे हैं चाची यहाँ गांव से घूम के, आज तक पता नहीं चली। तो एसपी ऑफिस में आज आप ज्ञापन देने हैं? जी। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कोई कार्रवाई हो। लड़के का क्या नाम है? प्रवीण कुशवाहा। कितनी उम्र है? 14 वर्ष। जिला उपाध्यक्ष हूँ, संबंधित राम सुमिरन कुशवाहा जी हमारे पास आए, इन्होंने हमें बताया कि ऐसी ऐसी हमारे साथ घटना हो चुकी है, तो मैं एसपी साहब से ये मांग कर रहा हूँ कि संबंधित जो प्रवीण कुशवाहा बालक गुमा हुआ है, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें, क्योंकि अगर अभी उसी स्थान पर किसी अन्य बड़े आदमियों का अगर लड़का बच्चा कोई भी गुमा होता तो वो गांव संबंधित थाना पुलिस छावनी में तब्दील हो जाता। एक गरीब घर का बच्चा गुमा हुआ है, अभी तक ना तो संबंधित थाने से कोई मतलब कार्रवाई हुई, उचित कार्रवाई, और एसपी साहब से भी एक दो दिन पहले बात हुई तो उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई का वो नहीं किया, आश्वासन दिया कि हाँ होगा, और आज संबंधित एसपी ऑफिस फिर आए हैं पर बच्चे के पिताजी के साथ, तो यहाँ भी ज्ञापन दिया गया तो बोले कि कार्रवाई हम करवाते हैं जल्द से जल्द। तो हमारा यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, नहीं तो ओबीसी महासभा आगे और बड़ी जो है तो आंदोलन करने की तैयारी करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।